अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कैसे कर, नमस्ते, केम होना छो, एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14, यानी कि बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू, ग्रैंड फिनाले का रिव्यू विद मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई, व्हाट एन एंड टू द फिनाले गाइज। लिटरली स्पीकिंग, इट वॉज हाई ऑन इमोशंस, हाई ऑन एड्रेनलिन, एंड गाइज जिस तरह का, जिस स्केल का फिनाले इस बार हुआ है गाइज, इससे पहले नहीं हुआ गाइज। द परफॉर्मेंसेज ऑफ राखी सावंत, द परफॉर्मेंसेज ऑफ अली गोनी एंड जैस्मिन, द परफॉर्मेंसेज ऑफ राहुल वैद्य एंड रूबीना डेलिक, अली एंड राहुल का परफॉर्मेंस अलॉन्ग विथ यू नो गेंदा फूल विथ निकी, इतना पैसा पंप किया कलर्स ने। सबसे पहले तो गाइज मैं कलर्स टीवी का, एंडमॉल, वाईकॉम, जितने भी लोग हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि गाइज बिग बॉस सीजन 14 उस समय शुरू हुआ जब लोगों के पास रोजी रोटी नहीं थी, उस समय जहां पर फिल्में नहीं रिलीज हो रही थी, उस समय जहां पर इंडस्ट्री में लोगों के पास काम नहीं था, इन्होंने बिग बॉस सीजन 14 द्वारा कई हजार लोगों के घर चलाए हैं, चाहे वो जो सीरियल वाले एक्टर्स हो, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, क्रू हो, स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे, इतनी परेशानियां हो रही थी, लेकिन सीजन उस समय आया स्पॉन्सर्स लेकर, स्पॉन्सर्स ने भी इन पे विश्वास दिखाया, कंटेस्टेंट्स आए, एंड ये कारवां आगे बढ़ता गया। एंड गाइज उस समय जहां पर महामारी इतनी खतरनाक तरीके से थी, वहां पर हजारों लोगों के लिए इम्प्लॉयमेंट जनरेट की, पैसा जनरेट किया, थैंक यू वेरी मच कलर्स, एंडमॉल एंड वाईकॉम 18, एंड गाइज व्हाट अ फिनाले। लेकिन मेरा भाई, द क्वीन टेक्स इट ऑल, कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत का कोई लेके नहीं जा सकता, एंड गाइज वही हुआ, क्वीन रूबीना डेलिक। रूबीना ने अपनी जर्नी बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से शुरुआत तो नहीं की थी, बीच में वो काफी जबरदस्त खेलना शुरू किया उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में फिर डगमगा गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जनता जनार्दन है, क्रिटिक्स चाहे फिल्म को एक स्टार दे या डेढ़ स्टार दे, एंड में वो फिल्म जो थिएटर के बाहर, बॉक्स ऑफिस के बाहर हाउसफुल का पोस्टर लगा दे, वही फिल्म विनर होती है, वही फिल्म सिकंदर होती है। एंड गाइस इस शो के सिकंदर, इस शो की मलिका कहूं तो बेहतर होगा, वो है नॉट देन रूबीना डेलिक। शी वन हार्ट, शी वन वोट्स, एंड गाइस वो रिकॉर्ड वोट से जीती है गाइस। ठीक है, मैंने आपको दो दिन से पहले ही बोल दिया था कि रूबीना डेलिक इज गोना विन विथ रिकॉर्ड वोट्स। दूर दूर तक भी राहुल वैद्य नहीं था, दूर दूर तक भी नहीं था। जो लाइव वोटिंग्स होती है गाइस, ये सब नाम के लिए होती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। विनर ऑलरेडी शूट हो चुका था, ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटे पहले ही रूबीना डेलिक के शो को जीत गई थी। हाँ, हमारा काम है जब तक शो खत्म नहीं होता, आपको मैं रिव्यू तो लाके दिया नहीं हूं, तो कैसे दे सकते हैं। तो गाइज अब रूबीना डेलिक, कॉन्ग्रेचुलेशन वेरी मच। हाँ, दिल दुख रहा है, दिल उदास है, क्योंकि राहुल वैद्य कंप्लीटली डिजर्व टू विन द शो। लेकिन गाइज वो कहते हैं ना कि नेवर बी अ क्विटर इन लाइफ, एंड आज राहुल वैद्य का एक बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है जो आपको देना चाहूंगा। जिंदगी में कभी भी लूजर का टैग मत लेना, कभी भी मुश्किलों से भागना मत। अगर राहुल वैद्य उस शो के दौरान नहीं भागा होता, तो आज मैं लिख के देता हूं वो इस शो का विनर होता था। उसकी वो एक गलती ने आज उसके ट्रॉफी के बीच में आकर अर्चन डाल दी है। इसलिए कहता हूं, नेवर बी अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेस इट। कितनी भी कठिन सिचुएशन आए, सामना करो, डट के सामना करो, क्योंकि अंत में जो जीता वो ही सिकंदर। कॉन्ग्रेचुलेशन रूबीना एंड एप्पल बॉय अभिनव, अब तो ट्रॉफी मलाड आएगी, घर पे आएगी। आई विश देम ऑल द सक्सेस। रूबीना, आशा करते हैं आप और काम मिले आपको, अभिनव आपको भी और काम मिले, जितने भी लोग हैं। लेकिन दिल दुखता है राहुल वैद्य के लिए, वो शो नहीं जीत पाए। लेकिन यही तो गेम है मेरा भाई, सेकेंड कौन आया ये कोई याद नहीं रखता, जो फर्स्ट आता है वही हमेशा याद रहता है। शी इज द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 14। 142 दिन का सफर था आपका, मेरा काफी इमोशनल था। अनफॉर्चुनेटली कल से ये नहीं होगा, रात को हम सब सोएंगे, लेकिन अपने रिव्यूज चलते रहेंगे, अपने जितने भी वीडियोज है बनते रहेंगे। लेकिन एक और सीजन, आई थिंक ये मेरा फोर्थ फिनाले है। आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ। लोगों को लगता है कि हम आज आए हैं, कल उठकर आए हैं। आई स्टार्टेड रिव्यूइंग बिग बॉस फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स, 4 साल पहले से मैंने, आई थिंक ये मेरा फोर्थ फिनाले है जहां मैं एपिसोड बना रहा हूँ। एक दिन ऐसे ही स्टार्ट किया था, कोई उस टाइम पे बिग बॉस के रिव्यूज बनाता नहीं था। आई थिंक आई वॉज द वेरी फ्यू, आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने बिग बॉस के रिव्यूज है ना भी स्टार्ट किए थे, एंड
What a journey this has been, guys. This has been my fourth finale. And हर बार वही एक्साइटमेंट वही इमोशन. लेट्स सी टीआरपी उतनी लेता है नहीं लेता है तो वक्त ही बताएगा. चलिए आज के एपिसोड शुरू करते थे. सलमान खान मेरा भाई, व्हाट अ लुक मैन, डैम. अभी पठान की शूटिंग शुरू होने वाली है मेरा भाई. द हेयर, द बियर्ड, द व्हाइट सूट डिजाइन बाय एश्ली रिबेलो, फैंटास्टिक. एंड गाइज आज मनु पंजाबी, इनको बोलने का मौका ही नहीं दिया. ऐसे आदमी को बिठा के रखा था जो कम से कम डेढ़ दो घंटा बोल सकता है, उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया. यहाँ पर एजाज आए थे, पवित्र पुनिया आई थी, नोना बेरी, शार्दुल ठाकुर, नहीं शार्दुल पंडित. फाक साला हमको नहीं बुलाया. अरे भाई आप तो दिलों में रहते हो, समझ में आया? अरे भाई हम तो दिलों में राज करते हैं. गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आपका बच्चन साहब और नज बलिए को प्यार देने के लिए. नज बलिए पूरा सीजन हमारे चलता रहा एंड आशा करते हैं बिग बॉस 15 में भी नज बलिए वापस अपनी एंट्री देगा हमारे रिव्यूज के द्वारा. जैस्मिन आई, जैस्मिन ने कहा ये हम हैं, ये सारे कंटेस्टेंट्स हैं और ये हमारी पारी हो रही है. मैं कभी भी डायलॉग नहीं बोलना चाहता था मेरे चैनल पे, लेकिन बोलना पड़ा इसके वजह से. अब गाइज यहाँ पे शो की शुरुआत हुई, सोनाली भी आई थी, वो पंजाबी लड़का भी आया था एंड कश्मीरा शाह भी आई थी. अब कविता नहीं आई. अब गाइज इस शो की शुरुआत हुई, किस तरह से जितने लोगों ने इस शो से एग्जिट ली, एंट्री ली, वो दिखाया कि आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे. विकास आया, गया. विकास गुप्ती नहीं आया रे, मास्टर माइंड तैयारी कर रहा होगा अगले सीजन में आने के लिए. राहुल आया, गया. निक्की आई, गई. अली आया, गया. एंड गाइज यहाँ पर कितनी घर में तोड़फोड़ हुई, मारधाड़ हुई, वो सब दिखाया. लेकिन गाइज यहाँ पर इस शो में दो जय और वीरू की जो जोड़ी थी, यानी कि टैंगो एप्पल बॉय अभिनव एंड राहुल महाजन, ये दोनों साथ में बैठे हुए थे. लव बर्ड्स कौन कौन बने इस घर में? रूबीना अभिनव लव बर्ड्स बने, जान निक्की लव बर्ड्स बने, पुनिया एंड एजाज लव बर्ड्स बने एंड दिशान राहुल लव बर्ड्स बने. देखिए गाइस प्यार की दुनिया बहुत कमी है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर एजाज खान कि वो प्यार ले जा रहा है इस शो में से. अब गाइस राखी का भाई भी आया था यहाँ पर. अर्शी की मिमिक्री, खातों, तकबर, नल्ले, रैम्पेंटिंग, रूबिनेशंस, जितने भी डायलॉग्स थे सीजन में फेमस हुए उन सारे सारे डायलॉग्स को बताया गया. फैमिली मेंबर्स आए थे गाइज यहाँ पर. राहुल के डैडी आए थे, राहुल की जो फियांसे शोकल मंगेतर है, दिशा आई है, अली की बहन आई थी, राखी का भाई आया था, निकिचा वडील अलग होता यानी कि उसके डैड आए थे यहाँ पर, रूबीना के डैड, मॉम एंड हॉटेस्ट सिस्टर ज्योति का भी आई थी. सारे कंटेस्टेंट्स फैबुलस लग रहे थे. लास्ट सीजन में वहां पर शैंपेन एंड डोनट रखे थे, इस सीजन में वहां पर शैंपेन एंड कप केक्स रखे हैं. एंड गाइज कोविड टाइम्स में भी दिस वॉज अ वेरी सक्सेसफुल सीजन. अब गाइज यहाँ पर बिग बॉस एक स्पीच देते हैं एंड गाइज उसके बाद कहते हैं अरे भाई बहुत भाषण दे दिया, जश्न मनाओ. फ्रूट शैंपेन रहता है. सलमान खान भी कहते हैं इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल सीजन. वीडियो कॉल आता है माधुरी दीक्षित द्वारा. माधुरी दीक्षित सलमान खान कॉमेडी करते हैं एंड गाइज उन पांचों जो फाइनलिस्ट है उनकी जर्नी हमें दिखाई जाती है एंड किस तरह सलमान खान एक डायलॉग कहते हैं कि बैड एटीट्यूड, जिन लोगों के पास बैड एटीट्यूड रहता है वो बैड एटीट्यूड अपने तक रखे तो बेहतर है. फाइनलिस्ट अपने घर वालों को देखकर खुश होते हैं. एंड गाइज यहां पर पूछा जाता है कि क्या आप किसी फाइनलिस्ट को देख के जेलस हो रहे हो? एजाज खान को, एजाज खान कहता है नहीं. यहाँ पर सलमान खान सोनाली एंड जैस्मिन को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है कि जैस्मिन वो देखो तुम्हारी सौतन बैठी हुई है. राखी सावंत का डांस परफॉर्मेंस, गाइज इस डांस परफॉर्मेंस के लिए मैंने सुना है 15 लाख रुपया खर्चा किया गया. दैट इज सम बिग मनी इन्वॉल्व, लॉट ऑफ मूला. फैंटास्टिक मैन, सीरियसली राखी सावंत का डांस मोहब्बत है मिर्ची, उसके बाद परदेसिया पे, वो जो साणनी एक्ट था साणनी, उसके लिए ओल्ड आंटीज पूरा सेटअप, वो बुल लाया गया था, जो साणनी है, जो साणनी है वो डांस किया वहाँ पे. राखी सावंत ने जितने बॉलीवुड गानों पे डांस किया था उनकी झलकियाँ, जूलिया जूली लव्स यू, वो आया था यहाँ पे. जैस्मिन वॉज जेलस, यहाँ पे राखी को देखते उसके अंदर से सुलग रही थी. एंड गाइस सलमान खान कहते हैं आउटस्टैंडिंग, तुम्हारी लाइफ यहाँ से रॉकेट हो जाएगी, फैंटास्टिक. अब गाइज यहाँ पे रितेश की जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व हुई. राखी सावंत तुम्हारे लिए रितेश आए हैं एंड फिर आए उसमें अपला हाथ भारी, अपला लात भारी, चमायला सगड़स लय भारी. रितेश देशमुख अपला मराठी माणूस आला आत्मदे, रितेश देशमुख आए यहाँ पे, काफी मजा लगा, काफी कॉमेडी हुई. अब गाइज 14 लाख रुपए का ब्रीफ केस लेकर आया था रितेश.
एंड वो ब्रीफकेस को इतना फास्ट बजर दबाया राखी सावंतिया ने कि राखी सावंत 14 लाख रुपए लेकर चली गई। यहां पर निकी ने भी प्रेस किया था, लेकिन स्लो मोशन में देखा गया अंपायर, थर्ड अंपायर ने बताया कि राखी सावंत ने बजर जो है वो पहला बजाया था। राखी सावंत एविक्ट हो जाती है, सलमान खान के स्टेज पे आके डांस करती है। एंड गाइस सलमान खान का जेस्चर देखो, उन्होंने सिर्फ उनको ब्रेसलेट्स नहीं दिए बल्कि हर ब्रेसलेट पे कौन से जो एक्टर है यानी कि अली, निक्की, उन सारे लोगों के स्टोन्स पता करके उनके लिए ब्रेसलेट दिया। राखी का भी टर्कोइज था तो भाई ने उनके लिए टर्कोइज का ब्रेसलेट बना के दिया। एंड गाइस यहाँ पे राखी से कहते हैं कि कौन जीतेगा रूबीना राहुल में से। राखी ने देखो भाई ये तो प्रेडिक्ट कर ही दिया था 1 महीने पहले कि रूबीना इस शो को जीतने वाली है। आज भी वो कहती है रूबीना कंफर्म है, लेकिन अगर निक्की जीतती है तो काफी नाखुश होगी। राखी खुश हो जाती है 14 लाख रुपए मिले, एंड 14 लाख रुपए से वो जो हॉस्पिटल के बिल्स है यानी कि जिनकी माँ जो कैंसर का इलाज करा रही है वो जाके भरेंगे। कहती है कि बिंदु भाई जब घर में आए थे तब उन्होंने कहा था कि बेटा राखी तू शो जीतने नहीं वाली, तू बैग लेके भाग जाना यहाँ से, एंड वो ही उन्होंने यहाँ पे किया है। सलमान खान कहते हैं कि बहुत बढ़िया किया तुम यहाँ पे पैसा लेके भाग गई क्योंकि वोटिंग वाइज तुमको उतने वोट्स नहीं मिले। सलमान खान फुल एलिमेंट में था आज, ही वॉज इंजॉइंग, ही वॉज लाफिंग, ही वॉज डांसिंग, ही वॉज सिंगिंग, ही जस्ट टोल द शो अवे। इतना एनर्जेटिक सलमान खान को बहुत साल से नहीं देखा, ही इज लॉस्ट इमेंस अमाउंट ऑफ वेट, किस बात का अफसोस है आप लोगों को? रूबीना कहती है मैं जब राखी सावंत के ऊपर पानी फेंका उस बात का अफसोस है। राहुल कहता है जान पे जो नेपोटिज्म का टॉपिक पे मैंने कमेंट किया था उस बात का अफसोस है। अली कहता है मुझे कोई अफसोस नहीं है। निकी कहती है विश आई रिस्पेक्टेड जान, मैंने जान की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं की इस शो में, हमेशा उसको मैंने इल ट्रीट किया, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं सबको रिस्पेक्ट करके जाऊं यहां से। अब गाइज यहां पर फिर सलमान खान कहते हैं कि अब आप में से और कोई एक कंटेस्टेंट है जो इस शो को छोड़ के जाने वाला है? निकी कहती है मैं ही जा रही हूं, यहां पर 2 हफ्ते में मैंने क्या उखाड़ लिया होगा। सलमान खान कहते हैं नहीं, दिस शो इज ऑल फुल ऑफ सरप्राइजेस, अली तुमको यहाँ पे सबसे कम वोट्स मिले। तो ये शॉकिंग था कि अली को लोगों ने वोट ही नहीं किया, क्योंकि अली ने कभी इच्छा जाहिर ही नहीं की, इच्छा प्रकट ही नहीं की शो जीतने के लिए, हमेशा राहुल के लिए खेलता गया। दिस इज वन एग्जाम्पल के अपने दोस्त के लिए खेला हो, ना ही के खुद के लिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उमदा। एंड अली गोनी अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाता है। सो निकी, राहुल एंड रूबीना, दीज वर द टॉप 3, ये याद रखना। निकी जोश में आती है, कहती है कि सब लोगों ने मुझे बोला कि तू टॉप 3 डिजर्व नहीं करती है, तू टॉप 3 में आएगी नहीं, लेकिन देखो आज मैं टॉप 3 पे हूँ। रूबीना कहती है काम डाउन, हम सब सेलिब्रेट करेंगे, एंड जस्ट रिलैक्स, जस्ट इंजॉय दिस मोमेंट। सलमान खान यहाँ पे अली को भी एक ग्रीन स्टोन वाली ब्रेसलेट देते हैं जो कि काफी अच्छा जेस्चर था। एंड अली कहता है कि निक्की तो डिजर्व ही नहीं करती है टॉप 3 में जाने के लिए, मेरी तो उल्टा लग गई, मैं चाहता हूँ कि राहुल वैद्य जीते। फिर गाइस इस फिनाले में 4 चांद लगाने के लिए आती है नन अदर देन हाई गर्मी टट। धर्मेंद्र ऐसा लेजेंड बोलकर गया कि नोरा फतेही इज ऑसम, उनका जितना भी डांस परफॉर्मेंस था नोरा फतेही का, शी इज अ लेजेंड। वो जो गाना आएंगे छोड़ देंगे, ओ क्या गाना है मेरा भाई, क्या डांस करती है बंदी, गर्मी पर डांस किया, साकी साहब पर डांस किया, शी इज इमॉर्टल। एंड कहती है कि मैं सीजन 9 में भी आई थी। एंड गाइस सलमान खान ने यहाँ पर जीनी बने उनके सामने, एंड चीचा एजाज खान को भी बुलाया नोरा का टाइम पास करने के लिए। सलमान खान ने जो साकी किया मैन फैंटास्टिक, थोड़ा और देर रुकते थे ना सलमान खान पूरा नीचे झुक के करके आता था साकी, उसके बाद जो गर्मी डांस था बेटा, सीरियसली सलमान खान शोइंग सम लिटरली ऑसम स्वैग, बहुत अच्छे तरीके से किया उस गाने में। आपने सलमान खान का स्टडीड बूट देखा, ये बूट मैंने आपको रेस 3 के टाइम पर दिखाया था, वो बूट स्पेशली उनके लिए डिजाइन किया गया है। अब फिर आए गाइस डांस दीवाने, देखो गाइस बहुत ज्यादा प्रमोशन किया कलर्स का, एंड में पक रहा था मेरे को इतना ऑडियंस की लिमिट नहीं टेस्ट करने का, रे बाबा ये पता है एनुअल प्रमोशन योजना थी तुम्हारी, सलमान खान के नाम पे, बिग बॉस की पॉपुलैरिटी के नाम पे अपनी जितनी भी छोटी सरदानी बैरिस्टर बहू उनको प्रमोट करना, ठीक है यार कोई बात नहीं, एक ही दिन मिलता है प्रमोट करने के लिए। धर्मेश रोहित आए, लेकिन मेरा भाई फिर जो सोनाली जी ने डांस किया भाई, टिप टिप बरसा पानी, कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ता था उसको स्टेज से हटाने के लिए, क्या डांस किया, अनस्टॉपेबल। सलमान खान भी फुल मूड में आ गए, लेकिन फिर भाई एजाज खान को बुलाया, क्या चीचा शो, आ जाओ स्टेज पे आ जाओ। धर्मेश, चीचा, रोहित, सलमान भाई ने घुंघरू पे डांस किया फैंटास्टिक। छोटा बच्चा आया उसका नाम था सोहेल, मुंडी मुंडी टेढ़ी कर रहा था डांस दीवाने का। सलमान खान बोलते हैं अरे भाई तुम बोनलेस हो क्या, हड्डियां नहीं है, अच्छा तुम्हारा नाम बोनलेस सोहेल। बोलते हैं मैं आपका छोटा भाई हूँ सर,
मैं भी सोहेल, आपका भाई भी सोहेल, तो मजा आ गया। बोलता है सलमान भाई तुमने शादी कर ली ना, मेरे को मालूम है। तो बोलता है अबे तो कौन बताया साढ़े। हाँ फिर गाइज यहाँ पर जलवा जो गाना है, तेरा ही जलवा जलवा जलवा, ऑल राइट विद द रिदम ऑफ द बीट गो हाई, ये गाने पे सलमान खान को जोश आ गया, सबको बुलाया अंकल विंकल को। तब पता चला कि यहाँ पर निशांत मलकानी, क्योंकि अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे, जो शो में विग लगा के आए थे, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आई डिडंट नोटिस दैट, मुझे लगा पारस टक्कू छावड़ा आया, उसको नहीं बुलाया बेचारे को। तो गाइज यहाँ पर ये हुआ, एंड यहाँ पर सिद्धार्थ को बुला सकते थे यार फिनाले में, शहनाज को, गौहर, इनको बुलाना चाहता हिना, इन लोगों को गलती कर दिया कलर्स वालों ने। अब फिर आए सब लोगों ने डांस डांस किया वहां पर, एंड उसके बाद किस तरह से एक आंटी आती है, वो आंटी को सलमान खान ने ऑटोग्राफ दिया, भी काफी अच्छी डांस करती है, जनरेशन थर्ड से आए थे, एंड डांस दीवाने का प्रोमो दिखाया जो कि फैंटास्टिक है। फिर आते हैं द लेजेंड, मैं जट्टे यमला पगला दीवाना, धर्मेंद्र आते हैं वहां पर, एंड सलमान खान इंट्रोड्यूस करते हैं धर्मेंद्र को रूबीना से, निकी से, एंड राहुल से। एंड उसके बाद जो डांस परफॉर्मेंस था, जब तक जहां मैं तेरा, वो जो अली ने डांस किया बॉस, सीरियसली आर्ट डायरेक्शन एट इट्स बेस्ट। जैस्मिन एंड अली पूरा क्रेन पे ऊपर चढ़ गए, एंड उसके बाद जो पूल डांस भी था उन लोग का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। सलमान खान ने अपना जो हाथ है ना धर्मेंद्र के हाथ से मिलाया, धर्मेंद्र का हाथ इतना बड़ा था, सलमान का हाथ इतना था, कैन यू बिलीव इट, सलमान भाईज हैंड वॉज सो स्मॉल। सलमान खान ने जो ब्रेसलेट था जो स्टोन का, वो यहाँ पर अली को दिया, एंड गाइस फिर यहाँ पर सलमान खान बने गब्बर सिंह, फैंटास्टिक गब्बर सिंह बने थे सलमान खान। एंड गाइस वो जो ऑरा था, जिस तरह का जो एक्टिंग की सलमान खान ने, एब्सोल्युटली अमेजिंग थी। उसके बाद यहाँ पे बसंती बनने के लिए राखी सावंत को बुलाया गया, धर्मजी तो वीरू बने हुए थे, वो एक्ट मुझे काफी अच्छा लगा। ये दोस्ती फिल्म सिटी के रास्ते पर राहुल अली एंड सारे लोग जो है वहां पे ये दोस्ती पर डांस किए, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी उस पर डांस किए। एंड गाइज मेरा भाई निक्की टम्बोली इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स, उसका काम ही है मुंह नहीं खोलने का। आइटम सॉन्ग में मुंह खोलेगी क्या? नहीं, लिप सिंकिंग करेगी। जो कॉस्ट्यूम पहन के उसने गेंदा फूल पर डांस किया है, बड़ो लोग को बेटी लो, मैं कुछ गलत बोल दूंगा मुंह से, लंबा लंबा चूल, ओ बड़ा, शी वॉज लुकिंग वेरी हॉट इन दैट। एंड गाइज यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं, नमक इसका, छोटी सरदारनी, मेगा डांस परफॉर्मेंस होता है सलामे इश्क पे, वापस सलमान भाई डांस करते हैं यहाँ पर, कलर्स का हंसता खेलता परिवार। सलमान खान कहते हैं बिग बॉस खत्म हो रहा है तो क्या है, राधे के प्रमोशन पे वापस से मैं कलर्स पे आऊंगा। एंड गाइज यहाँ पे 12 बज जाता है, एंड कलर्स वालों का प्रमोशन खत्म नहीं होता, एड पे एड डालते हैं। एंड गाइज 12 बजे एक एनवेलोप आता है, एक ऑनवेलोप आता है जहां पे निकी का नाम रहता है, तो निकी आउट, रूबी एंड राहुल आर द टॉप टू फाइनलिस्ट। निकी के लिए भी सलमान खान एक ब्रेसलेट लाके देते हैं। एंड गाइज फिर आते हैं घर में पैकर्स एंड मूवर्स, पूरा सामान घर का पैक करने के लिए आते हैं उन लोग। रूबीना राहुल बाहर आते हैं, बिग बॉस उनको बधाई देते हैं, राहुल सजदा करता है, एंड रूबीना एंड राहुल मिलकर जो बटन है वो लाइट का बंद करते हैं, एंड हमारी सारी यादें अंधेरे में चली जाती है। फिर क्या मेरा भाई, द इमोशंस रन हाई, एंड फिर अल्लाह दुहाई है, फिर जहाँ पे आई है, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट आर्ट डायरेक्शन, जेसीबी पे उनकी एंट्री, वहां पे रस्सी पे स्विंग होके डांस करना, ब्यूटीफुल कोरियोग्राफी। एंड गाइस फिर दोनों सेट्स पर आते हैं, एंड तभी सलमान खान अनाउंस करते हैं कि वोटिंग लाइन्स शुरू हो गई है, लेकिन वो सब फॉर्मेलिटी रहता है, और कुछ भी ऐसा होता नहीं है यहाँ पर। एंड फिर दोनों स्टेज पर आते हैं, एंड सलमान खान राहुल का हाथ उठाते हैं, वो तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, रूबीना का हाथ उठाते हैं, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, एंड एंड में रूबीना का हाथ उठाते हैं, एंड रूबीना यहाँ पर सलमान खान का हाथ चूमती है, दैट्स अ वेरी गुड जेस्चर। एंड उसके बाद सलमान खान कहते हैं रूबीना इधर आओ, अरे तुम जीत गई हो, ट्रॉफी तो ले जाओ, ट्रॉफी देते हैं, सारे सारे कंटेस्टेंट स्टेज पे आते हैं, एंड यू फील बैड फॉर राहुल वैद्या। सो गाइज इसी के साथ ये सीजन समाप्त होता है, मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, 142 एपिसोड्स रिव्यू करना आसान नहीं था, रात के ऑलमोस्ट डेढ़ डेढ़ दो दो बजे तक जागना, फिर एडिट करना, अपलोड करना, 2:30 बजे सोना, फिर सुबह उठ के वीडियो बनाना, इट वॉज नॉट ईजी मेरा भाई, बट आप लोगों ने जितना प्यार दिया, जितना सपोर्ट दिया, थैंक यू वेरी मच। इसी आशा के साथ अगले साल मिलेंगे, रहे तो बिग बॉस 15 के रिव्यूज में।
It's me, Aman Ansari, signing off. You're going to see me very soon. Till then, as I always say, stay cool, man. Paksala. Nachubali. Good night. Thank you so much.